सो हेलो गाइस, आई एम मनीष प्रधान, आल्सो नोन एज मैनी। सो गाइस, आप कुछ नोटिस तो किए होंगे दैट मेरे पास डायमंड का आर्मर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो गाइस, सच्ची बोले तो वो एक्सपेंसिव नहीं है, एकदम इजी वे में है। ये वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आपको डायमंड का आर्मर मिलेगा। सो गाइस, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से वन स्टैक ऑफ एमराल्ड्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो गाइस, बहुत इजी वे में बताएंगे। सो गाइस, आप देख रहे हो पूरा का पूरा, इवन मेरे पास हेलमेट हुआ, चेस्ट प्लेट हुआ, लेगिंग्स हुआ और बोट हुआ, सब का सारा हमारा डायमंड से बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो गाइस, एक्चुअली हमको पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे यूट्यूब देखे थे, फिर हमको पता चला कि ऐसा भी पॉसिबल है विदाउट वेस्टिंग डायमंड, तो बिना डायमंड का ये बना हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते कैसे बनाए। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, देखो भाई इसको बनाने में क्या लगता है, ठीक है। तो पहले आर्मर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर हम वही डायमंड से बनाते तो कितना डायमंड लगता है। तो आप देख सकते हो, बूट में हमारा 4 लगता है, चेस्ट प्लेट में हमारा 8 लगता है, लेगिंग्स में हमारा लगता है 7, ठीक है। एंड हमारा फिर हमारा हेलमेट में लगता है 5। सो गाइस, टोटल हमारा 24 डायमंड्स लगता है। गाइस, 24 डायमंड्स, आई मीन यार, एक दो मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। 24 बहुत ज़्यादा होता है, तो यार बहुत कुछ अफोर्ड कर नहीं पाते एंड इवन बना भी नहीं पाते, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो गाइस, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कितना ईजी है ये पूरा का पूरा डायमंड आर्मर्स लेने में। तो आप बस देखते रहो। और गाइस, अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते तो आप बहुत फेमस प्लेयर को देखते होंगे, जिसका नाम है ड्रीम। इसका नाम है गाइस ड्रीम। तो ड्रीम का पूरा ऐसे ही रखता है डायमंड का आर्मर्स। तो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, एक्चुअली हम इसमें किए क्या, ठीक है। तो गाइस, एक्चुअली ये सारा का सारा काम है, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो एक एक चीज़ सब बताएं कैसे बनता है, क्या करना है उसमें। तो इसमें आप देख सकते हो हमारा सबसे नीचे में, ठीक है। आप इसको मास्टर कर देना, ट्रेड करते करते मास्टर कर देना, देन आफ्टर आपको मिलेगा डायमंड लेगिंग्स, बूट, हेलमेट और चेस्ट प्लेट। और गाइस, आप देख रहे हो एमराल्ड्स बहुत ही कम है। सो गाइस, अभी हम टोटल आपको 79 एमराल्ड्स लगा, दैट मीन्स वन स्टैक प्लस 15, ठीक है। तो एक्चुअली वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्चुअली एक भी कॉस्टली नहीं, बिकॉज अगर और गाइस, बहुत को लग रहा है यार एमराल्ड्स कहाँ से लाए, बहुत टफ है दिस दैट, तो उसके लिए आई बटन में क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या तो लास्ट में हम उसका लिंक सेंड कर दिए कैसे एमराल्ड्स बहुत सारा पाए, कैसे सुगरकेन फार्म बनाए, ठीक है। सुगरकेन फार्म से ऑब्वियसली पेपर मिलेगा, देन आप ट्रेड करके इससे खरीद सकते हो एमराल्ड्स बहुत सारा ट्रेड करके। तो कि चलते हैं अब हमारा बेस पे। तो अरे, मेरी बिल्ली इधर किधर, मौसी। तो गाइस, मेरे बिल्ली का नाम मौसी रखा हुआ है, आई डोंट नो क्यों, बट बस रख दिए। तो चलो अपने बेस पे चलते सबसे पहले। तो गाइस, आप यहाँ भी देख सकते हो मेरे चेस्ट में ऑलरेडी और बहुत सारा हेलमेट, 2 हेलमेट और है, चेस्ट प्लेट्स है, लेगिंग्स एंड बूट्स है। सो गाइस, टोटल मेरे पास 3 सेट था, एक सेट हम पहन चुके हैं और 2 सेट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस, विदाउट एनी डायमंड यूज, ठीक है, हम इतना सारा मेरे पास डायमंड आर्मर है, तो यार बहुत ही ऑसम है। तो चलो कैसे बना है देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग को बनाना ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस बनता कैसे, तो पहले तो आपको कोबलस्टोन लेना है एंड फर्नेस में डाल देना, ठीक है, आप उसको होने दो। सो गाइस, हम लोग को सिर्फ 3 का काम है, ठीक है, 3 स्टोन। अब क्या करना, वो स्टोन को रखना है फिर से फर्नेस में, ठीक है, और उसको देन गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्मूथ स्टोन बनेगा। सो गाइस, हमारा स्मूथ स्टोन हो गया 3 पीस, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, थोड़ा आयरन इंगट चाहिए। सो गाइस, 5 आयरन इंगट चाहिए, ठीक है, और फिर एक हम लोग को फर्नेस चाहिए। तो फर्नेस पहले फटाक से बना लो, एक फर्नेस हो गया यहाँ। तो गाइस, अब हम लोग रेडी है, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग करेंगे क्या, क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग एक फर्नेस मिडिल में डाल देंगे, 3 स्मूथ स्टोन ऐसे करके डाल देंगे, और जो 5 इंगट है आयरन इंगट उसको ऐसे करके डाल देंगे, और हमारा ये जो प्रोडक्ट आएगा ब्लास्ट फर्नेस, ये हमारा, ठीक है। देन गाइस, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस ऐसे ही कर रख देंगे, ठीक है। वैसे काम तो एक ही का, बट फिर भी चलो 2 रख देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग को क्या करना है, विलेजर्स चाहिए, ठीक है। देन गाइस, हम एक स्लैब यहाँ और एक स्लैब यहाँ ऐसे करके लगा देंगे एंड एक विलेजर्स, ठीक है। तो गाइस, आप अपने बेस में भी कर सकते, बहुत ईजी है। तो बस हम आपको दिखाने के लिए ऐसे किए, ठीक है। ओ भाई, ये विलेजर्स कहाँ से आ गया। सो गाइस, ये हम लोग को 15 कोल में एक एमराल्ड दे रहा और 4 एमराल्ड्स में एक आयरन बूट। तो यार ये डील सही नहीं था, ऐसा करना, इसको ब्रेक करके फिर से कर देना, ठीक है। एंड अब हमको दे रहा है ना, नो, चलो तो ये थोड़ा सही डील है गाइस। तो आपको 4 में आपको दे रहा बूट एंड 5 में दे रहा हेलमेट, ठीक है। तो अब ऐसा करना, आपको एमराल्ड्स का बहुत जरूरत होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टैक तो कम से कम चाहिए ही होगा। सो गाइस, अब हम एमराल्ड्स बहुत सारा ले चुके, देख रहे हो आप,
अब क्या करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो गाइस आपको ऐसा करना होगा, तो ओके हम एक ही बार में बहुत सारे एमरल्ड्स ले लिए। तो गाइस अब देख रहे हो आपको बेल दे रहा है और एक एमरल्ड में बूट दे रहा है। तो गाइस आप जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे ना, ये आपको बहुत चीप और बहुत ईजी वे में देगा, ठीक है। तो गाइस अब एक एक करके लेना है, तो ये बढ़ रहा। आपको जो ये अप्रेंटाइज दिख रहा है ना, ये ट्रेडिंग करते करते आपको मास्टर में आना होगा, ठीक है, तब वो आपको डायमंड का देगा। ओ एक और लेना, सॉरी। तो गाइस ये बहुत इजी ऑफर है, एक एमरल्ड्स में आपको देता है ये बूट भी है और प्लस आपका ये लेवल भी बहुत इजीली बढ़ता है। ओके ओ सॉरी। तो गाइस देखो ये पिंक निकला, दैट मींस का फिर से चेंज हो गया। ओके एंड गाइस देन आपको वन एमरल्ड्स में आपको दे रहा है चेस्ट प्लेट और भी चेन मिल का, ठीक है। तो ऐसा करो आप पहले चेस्ट में ये सबको डाल दो। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट हो जाएगा, आपको और भी बहुत बाद में काम आएगा, ठीक है। ओ भाई ये विलेजर्स लोग ना, चल हट जा भाई। तो चलो अब फिर से ऐसा करते हैं या। तो गाइस देख रहे हो मतलब कुछ ज़्यादा ही लेवल है, ठीक है। तो ये आपको करते रहना जब तक ये जर्नी मैन से हट के, देखो ये फुल हो गया, देन आप छोड़ दो, ठीक है, दो तीन सेकंड, देन अगेन पिंक वाला निकलेगा, दैट मीन्स आपका। ओ भाई तो गाइस देख सकते हो मेरा ऑलरेडी डायमंड का लेगिंग्स और बूट आ चुके। ओ यार गाइस तू तो एन्चेंटेड, आई मीन डेप्थ स्ट्राइडर 2 अनब्रेकिंग 3 एंड फायर प्रोटेक्शन 2। ओ गाइस तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि आपको एन्चेंटेड वाला भी मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऐसा करते हैं ना, सो गाइस अभी आप मत लो, ठीक है, और कुछ एक एमरल्ड्स में ले लो ये सब, जैसे कि मेरे पास चेस्ट प्लेट हो गया है, बूट्स बहुत सारा हो गया, अब हम हेलमेट ले लेते, मेरे पास हेलमेट नहीं, ठीक है। तो गाइस लेकिन देखो आप जब हेलमेट ले रहे हो तो बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सपी बढ़ रहा है, ठीक है, वही आप अगर डायमंड कर लोगे तो वो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड गाइस फिर इसमें भी बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ऐसा करते हम और ये थोड़ा सा ले लेते, ठीक है, क्योंकि एक एमरल्ड से तो वन एमरल्ड से यार इतना तो अफोर्डेबल है ही। तो गाइस अब इसमें क्रॉस लग चुका, दैट मींस और हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, बूट्स ले लेते हैं, 1, 2, 3 बूट्स ले लेते हैं, और ये बस 3 ही देता यार, और देन हम लेगिंग्स ले लेते 3, तो 1 ले लो, उसके बाद वो अपना अच्छा एक्सपोर्ट्स कंप्लीट हो गया गाइस। तो और भी कुछ ऑफर, ओके सो गाइस अब देखते क्या ऑफर आता है इसके पास, फिंगर क्रॉस। ओके ओ तो गाइस हमको देख रहे हो 13 में हेलमेट दे रहा है प्रोटेक्शन और ब्रेकिंग 1 का एन्चेंटिंग करते हुए, तो बहुत सही है। एंड गाइस 17 एमराल्ड्स में हमको चेस्ट प्लेट दे रहा प्रोटेक्शन 1 का, तो ये दोनों तो काफी नहीं है एन्चेंटेड, बट सबसे ज्यादा तो ये बूट्स था। एंड गाइस ऑनेस्टली बोलते बूट्स ही मेन है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, ओके हमको एक्सपी मिल रहा है, एंड द थिंग इज चलो ठीक है। एंड गाइस आपको एक्सपी बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, तो मेरे पास हो गया 3 बूट्स, ऐसा करते हैं हम 3 चेस्ट प्लेट ले लेते हैं, 1, 2, 3 चेस्ट प्लेट हो गया। देखो जैसे 3 ले लिया गाइस वो क्रॉस हो गया, दैट अब वो नहीं खरीद, अब हम उससे और ट्रेड नहीं कर सकते, दैट मींस। तो ऐसा करते यार ये सबको हटा like this, yep। So guys हमको और एक लेना है, हमारा हेलमेट एक और लेना है, और हम लोग को लेना होगा लेगिंग्स 2 और, तो 1 और 1 2। So guys ये that's it। So guys आप देख रहे हो मेरे पास 3 हेलमेट, 3 चेस्ट प्लेट, 3 लेगिंग्स और 3 बूट्स, और बूट्स का तो यार कहना ही नहीं, आई मीन बहुत सारा एन्चेंटेड है। तो ऐसा करते इसको फटाक से पहन, ओ मेरे पास तो ऑलरेडी पहन लेते, ऐसा करते ये लग पहन लेते, ठीक है, ये सब एन्चेंटेड है। तो कैसे आप देख रहे हो मेरा फुली आई एम एन्चेंटेड, वो भी डायमंड से, तो यार काफ़ी कूल और काफ़ी ईजी। सो गाइस मेरे पास 4 स्टैक प्लस 50 एमरल्ड्स लगा आपको ये सब ट्रेडिंग, और आपको 3-3 सेट डायमंड का आर्मर लेने में, तो यार बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। सो गाइस अगर आप यही चीज़ अगर आप डायमंड से बनाते हो, तो आपको एक सेट ऑफ आर्मर बनाने में 24 लगता है, ठीक है, डायमंड, तो दैट मीन्स आपने 3 बनाए, दैन 24 प्लस 24 प्लस 24, दैट मीन्स 72 डायमंड। तो गाइस यार 72 डायमंड मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आज के लिए तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो गाइस, और आप ये ट्राई करो बनाओ, होप आपसे भी हो जाए, एंड बहुत इजी होने से बस ब्लास्ट फर्नेस का आपको जरूरत है,
और एमरल्स की जरूरत है। और एमरल्स आपको कैसे लेना आपको पता ही हुआ है, आई बटन में या तो लास्ट वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, सारा का सारा वीडियो है एंड एंजॉय करो एंड तब तक क्लिक बाय रहेगा।